दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया। लंबे लॉकडाउन के कारण पूरा रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो मंदी की चपेट में आ गया है। तमाम मुश्किलें हैं। मुश्किलें ये हैं कि अगर प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो ख़रीदार नहीं है, और जहां ख़रीदार हैं वहां उनके पास पैसा नहीं है। तो इस तरह की मुश्किलों से और मुसीबतों के दौर से इस वक्त रियल एस्टेट कारोबार गुजर रहा है, और इन्हीं सब हम खास मुद्दों और सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है मशहूर बिल्डर और प्रजापति ग्रुप के CMD श्री राजेश प्रजापति जी को। आप MCHI रायगढ़ यूनिट के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और इसके साथ साथ रियल इस्टेट सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तमाम सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए, आपके पास लंबा अनुभव है इसका, रियल इस्टेट सेक्टर के चुनौतियों को देखने का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। धन्यवाद, मुझे आप शो पे आपने आमंत्रित किया उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है कि लंबा लॉकडाउन चला है, तकरीबन 75 दिन हो गए हैं, और ऐसे में जो रियल एस्टेट सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाता है उसके सामने बड़ी आर्थिक चुनौती पैदा हो गई है। आप खुद इस सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, आप कई संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, आप इस इम्पैक्ट को, लॉकडाउन के लंबे इम्पैक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? सुधीर जी, ऐसा है कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ये जो वायरस, कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, उससे सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी हमारे देश की और पूरे दुनिया की इकोनॉमी आज ध्वस्त हुई है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी इसमें काफ़ी बड़े तादाद पे परेशान है। बिल्कुल, हाँ। अब ये कहते हुए मैं ये भी एक बताऊंगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहा था पहले भी, मतलब ये होने से पहले भी, लॉकडाउन से पहले भी हाँ, मगर हम किसी तरह से उसको गुजारा कर रहे थे, और कैसे भी हमारा उद्देश्य उतना उस समय इतना ही था कि कैसे किसी भी हालत में हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और उसके बाद में प्रॉफिट या लॉस उसका कोई ज़्यादा हम लोग नहीं सोच रहे थे। सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, हमारा नाम बचाना है, हमारे हमारे जो बायर्स हैं उनको जो उनका फ्लैट है वो सही टाइम पे देना है। मगर इस समय क्या हुआ है कि पिछले 70 दिन से, आप भी जानते हैं, 75 दिन हो गए लॉकडाउन जारी है, और आज जब लॉकडाउन खुला है थोड़ा बहुत जो रिवाइव करने की बात हो रही है 1.0, तो परेशानी ये है कि आज जब रिवाइवल हो रहा है उस समय वर्कर नहीं है। इसकी विडंबना ये है कि अनलॉक तो हो रहा है मगर साथ साथ में जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो बाहर दूसरे स्टेट्स से आए हुए लेबर हैं, वो लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं। तो जब लेबर थे यहाँ तब लॉकडाउन था, और जब लॉकडाउन खुला है तब लेबर नहीं। तो दोनों कंडीशन में हमारा साइट जो है, हमारा मतलब हमारे सारे डेवलपर्स का साइट बंद था, और इस वजह से हम लोग चाहते हुए भी हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, और मटेरियल्स भी कम मिल रहे हैं, हमारे सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और दूसरे नॉर्म्स की वजह से लोग, हमारे इंजीनियर्स वगैरह भी साइट पे नहीं आ रहे हैं। अभी 2 दिन से ही हमारा ऑफिस भी खुला है, तो एक बड़ी अनसर्टेन जैसा सिचुएशन है। और हमारा जो मानना है वो ये है, हमने एक रिसर्च किया था कि जनरली हमारा MCHI ने रिसर्च किया था कि क्या मानना है सभी डेवलपर्स का कि कब तक ये सिचुएशन नॉर्मल होगा। तो 65-70% जो डेवलपर्स हैं उनका ये मत था कि कम से कम 9 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगेगा ये पूरी तरह से नॉर्मल होने के लिए। उसका कारण भी ये है कि 2.5 महीने तो हमारे चले गए, अगले 3 महीने में या 4 महीने में लोग वापस आना शुरू होंगे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, और उसके बाद में हमारे जो बायर्स हैं उनका जो है, आज परिस्थिति ऐसी है कि लोगों के
सैलरीज कम हो रही हैं और लोगों का सैलरीज के जॉब्स जा रहे हैं, तो एक बड़ा डर का माहौल है इस समय। तो लोग बायर्स खरीद भी नहीं रहे, तो बायर सेंटिमेंट सुधरने के लिए और वर्कर्स के वापस आने के बाद, तो ये सारा चीज होने के बाद में 9 से 12 महीने के बीच में ये इंडस्ट्री पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। अगर उसमें एक कैवियट है कि अगर फिर से कुछ जंपिंग ना हो कोरोना केसेस में, अगर वापस जंप हुआ और दोबारा लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया, तब तो कोई इसका कोई सोल्यूशन जल्दी से नजर नहीं आता है। लेकिन ऐसे ही रहा और अनलॉक जो 1.0 है वो 2.0 और 3.0 इस तरह से चलता रहा, तो 9 से 12 महीने के बीच में हमारी इंडस्ट्री फिर से स्थायी या स्टेबल हो जाएगी। आपने सर एक जिक्र किया कि ये रियल एस्टेट सेक्टर ऑलरेडी लॉकडाउन से पहले भी तमाम चुनौतियों से गुजर रहा था, तो वो चुनौतियाँ किस तरह की थी और क्या कोई सरकार से इस तरह की कोई डिमांड की गई थी कि इन चुनौतियों को या इन समस्याओं का समाधान किया जाए? क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है इसमें इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है और रोजगार देने में भी बहुत बड़ा अग्रणी ये सेक्टर रहा है, तो ऐसे में सरकार की क्या भूमिका रही है और किस तरह की चुनौतियाँ रही हैं? तो हमारा जो है जो परेशानियां हैं वो तीन टाइप की परेशानियां हैं, तीन सरकारों की परेशानियां। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की से परेशानियां हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट से परेशानियां हैं और एक लोकल बॉडी की जो परेशानी है, जिस जो हमारा प्लान अप्रूवल वगैरह करती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अर्बन लोकल बॉडी है यहाँ की ULB। तो ये तीनों से परेशानियां थी और स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो परेशानी जो थी वो ये थी कि उन्होंने GST जो है वो हम लोगों ने डिमांड किया था कि GST 12% बहुत ज़्यादा है और हम लोग ऑलरेडी 18% भर रहे हैं एवरेज हमारे रॉ मटेरियल पे। अच्छा। और 12% हमको आप हमको फ्लैट बायर से खरीद के उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट देना पड़ता है, तो हमने डिमांड किया था कि 5% पे लाइए मगर उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको दीजिए। मगर सरकार ने आधी बात मानी आधी नहीं मानी, GST तो ला दिया 5% पे मगर इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा खत्म कर दिया, अब वो उसमें ऐसा हो रहा है कि फ्लैट कॉस्ट जब जो समझ लीजिए 5,000 रुपया फ्लैट कॉस्ट है उसके ऊपर 5% डायरेक्ट हम लोगों को सरकार को भरना पड़ता है लोगों से लेके, और वो जो हमारा रेट तो बढ़ा नहीं 5% से बिल्कुल, मगर हमारे को 5% का नुकसान ये जरूर हो गया। तो इससे क्या हुआ है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया, आज 250 रुपए के मतलब कम से कम 12 से 15% कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, तो ये हमारा एक और वायबिलिटी कम हो गया। दूसरी बात जो इंटरेस्ट रेट जो RBI जो कम करते जा रही थी मगर हमारे हमें भी और हमारे ग्राहकों को भी उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था क्योंकि वो बैंकर्स पास ऑन नहीं कर रहे थे, तो ये जो पास ऑन नहीं कर रहे थे वो भी उसकी वजह से भी बड़ी समस्या हो रही थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये समस्याएं थी, स्टेट गवर्नमेंट से स्टैम्प ड्यूटी वगैरह की समस्या थी, तो काफ़ी समस्याओं में से हम लोग गुजर रहे थे। हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस किए मगर स्टेट गवर्नमेंट में सरकार चेंज हो गई और नया जो सरकार बना उसको समय लगा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसको देना क्या करना, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोगों ने सैकड़ों लेटर्स भेजे और उसका मगर हमने कई बार मीटिंगें की प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री से भी हम लोगों ने मुलाकात किया हमारे नेशनल टीम में, लेकिन कोई उसमें सल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिखा। हमारा जो यहाँ का अर्बन लोकल बॉडी है सिटको के पास हम लोगों ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस दिए और कई बार मिलने की भी कोशिश की मगर हमको ऑडियंस ही नहीं दिया सिटको में माननीय जो मैनेजिंग डायरेक्टर यू नो वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का के पास हमारी सुनवाई ही नहीं हुई और काफ़ी परेशानियां थी। तो ये सब परेशानियों से हम लोग ऑलरेडी जूझ रहे थे और उसमें ये कोरोना ने जैसे बोलते हैं कि यू नो
आसमान से गिरे और खजूर पलट के उस तरीके वाली बात कर दी और हम लोगों की हालत, इस इंडस्ट्री की हालत काफी परेशानी में हो गई है। सर अभी जो फिलहाल जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तकरीबन 100 से ज़्यादा 190 अपने लेटर आप लोगों ने लिखे हैं, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई आपकी, लेकिन इसके बावजूद भी इन समस्याएं जो हैं जस की तस हैं। फिलहाल अभी रिवाइव रियल इस्टेट, रिवाइव इकोनॉमी करके आप लोगों ने पूरे जो बिल्डर फेटर्निटी है ये पूरे महाराष्ट्र की या नेशनल जो नेशनल है उसने एक पेटिशन डाला हुआ है, ये इसकी क्या जरूरत आ गई? क्या वाकई अब इस पिटिशन के जरिए ही ये बात लगी कि भी इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है? जैसा कि सुधीर जी मैंने आपसे पहले भी बताया कि हम लोगों के एक नेशनल बॉडी है, उसके हमारे नेशनल लीडर्स हैं, इन लोगों ने 190 से ज्यादा पत्र लिखे हैं, व्यवहार किया है और बहुत बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और रूरल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री और तरह तरह के आरबीआई के लोगों के साथ काफ़ी मुलाकातें की, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन हमको नहीं दिख रहा था। हर समय आश्वासन जरूर दिया जाता था कि हम लोग बहुत जीएसटी काउंसिल से भी हम लोग मिले, लेकिन हम लोगों को सोल्यूशन एक्चुअल नहीं मिल रहा था। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हो सकता है कि जैसे कि ये डेमोक्रेसी है, लोगों को नंबर्स में ही समझ आता है। अभी तीन लोग चार लोग जाके अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है उनको लग रहा हो कि भाई 100-150 डेवलपर्स की बातें हैं और 150 डेवलपर्स को ये कुछ रियायत देने से कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ऐसा उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो इंडस्ट्री है, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री, वो 250 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। इसमें कम से कम 5 से 5.5 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स और स्किल्ड लेबर्स और टेक्नीशियंस, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कई प्रोफेशनल्स इसके साथ जुड़े हुए जैसे आर्किटेक्ट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं। तो ये जो तबका है ये एक छोटा 1500 लोगों का तबका नहीं है, ये जो इंडस्ट्री है इसमें करोड़ों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और यही पॉइंट हम लोगों को बताने के लिए एक ड्राइव होम करना था कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए हम लोगों ने ये एक दूसरा रास्ता अपनाया, क्योंकि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन था, एंगर था और गुस्सा था, एजिटेटेड फील कर रहे थे, इसलिए ये एक दूसरा रास्ता अपनाया कि भाई एक पिटीशन डालते हैं, हो सकता है कि सरकार को ये बात समझ में आ जाए। इसलिए ये रिवाइव रियल एस्टेट, रिवाइव इकोनॉमी, ये जो एक हैशटैग बनाया है, change.org पे डाला है, आज 35,000 से ज्यादा उस पे सिग्नेचर हुए, अगले 10 दिन में हमें लग रहा है कि लाखों सिग्नेचर्स हो जाएंगे और तभी हो सकता है कि इसीलिए आज देवेंद्र फडणवीस जी ने इस मुद्दे को उठाया है और निर्मला सीतारमन जी माननीय जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने उसको कबूल किया है कि हाँ हम लोग लेंगे, इस मुद्दे को फ्रेशली देखेंगे और पूरा एक नए तरीके से इन मुद्दों को वो अपने ध्यान में लेते हुए ऑफिसर से बात करके इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सर मैं आखिरी सेगमेंट की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर संक्षेप में हम अगर आपसे जानना चाहें कि जो ये पूरी बिल्डर कम्युनिटी है, डेवलपर कम्युनिटी है, वो सरकार से किस तरह से, खास किन किन मुद्दों पर, अगर मुद्दों के हिसाब से हम कहें तो किन किन मुद्दों पर समाधान चाहती है? देखिए सुधीर जी, ऐसा है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो कोविड सिचुएशन आया इसके पहले भी हम लोग परेशान थे और ये जो पैंडेमिक हुआ है कोविड का, इसके बाद हमारा 75 दिन या 2.5 महीने तो ऑलरेडी हमारे गुजर गए लॉकडाउन में। अब अगले जैसे 3-4-6 महीने बाद ये एक्चुअल नॉर्मल होगा या नहीं होगा, हमें सरकार ने EMI का तो ये दिया है, रियायत दिया है कि भले आप 6 महीने बाद भरना, लेकिन उस EMI के ऊपर वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब जब हमारी कमाई नहीं हो रही तो हम इंटरेस्ट कहाँ से भरें? दूसरी बात ये है कि जो हमारा समझ लीजिए आज लोन हम लोग, क्योंकि हर डेवलपर
आज क्या है कि इतना मार्केट में सेल नहीं है कि सेल के पैसे से ही आप पूरी बिल्डिंग बना लो। तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हर डेवलपर ने लिया है, और उस कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में एक पीरियड होता है जिस समय तक आप सिर्फ इंटरेस्ट भरते हैं। जैसे समझ लीजिए 4 साल का आपने बोला कि भाई 4 साल में हम बिल्डिंग खड़ा करेंगे, तो ये लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है 2.5 साल या 3 साल तक आप सिर्फ इंटरेस्ट देना हमारे फाइनेंस पे, ओके, हाँ। लेकिन 3 साल के बाद 1 साल में आप हमारा पैसा वापस दे। तो आज अगर कोई आदमी 2.5 साल के पोजीशन पे है, उसको 6 महीने बाद पैसे वापस देने का टाइम आएगा, जो कि बड़ा अमाउंट रहता है। बिल्कुल, हाँ। 10 करोड़ रुपया अगर लिया है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 10-12 लाख रुपया इंटरेस्ट आता है, लेकिन अगर रीपेमेंट करना है तो हर महीने उसको 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा 1 साल के बाद। वो पैसे तो होंगे नहीं, और अगर 3 महीने गुजर गए वो नहीं दे पाया तो एनपी हो जाएगा अकाउंट। तो एनपी हो गया तो और कहीं से फाइनेंस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ। और वो प्रोजेक्ट ठीक बंद हो जाएगा। तो इन सब चीज का समाधान करने के लिए हमने माननीय वित्त मंत्री जी से आदर पूर्वक एक ये निवेदन किया है कि हमारे जितने डेवलपर्स हैं उनका लोन रीस्ट्रक्चर किया जाए। रीस्ट्रक्चर का मतलब एक रीसेट बटन दबाया जाए कि ये लोन 4 साल के बदले अभी ये 5.5 साल या 6 साल का होगा, इसमें 15% के बदले आपको 13% 14% में लोन दिया जाएगा, इसके और चाहे 6 महीने 1 साल तक आप सिर्फ EMI में इंटरेस्ट ही भरो। तो इस तरीके से ये मुद्दा जो है हम लोगों ने रीशेड्यूलमेंट ऑफ ये मांगा है, लोन्स मांगा है। दूसरा हमने ये मांगा है कि जो हमारे बायर्स हैं वो बायर्स को आज RBI ने तो कम कर दिया रेट, लेकिन बैंकर्स ने जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उन लोगों ने अभी तक रेट कम नहीं किया, रेट नहीं कम किया। जितना रेट का रिडक्शन RBI ने दिया उतना पूरा पास ऑन नहीं किया है। बैंकर्स अपना इस जो पैंडेमिक सिचुएशन में भी प्रॉफिट कैसे ज्यादा बना लूं उसी थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि किस तरह से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, लेकिन उसके बदले ये थॉट प्रोसेस है कि मैं इसमें कैसे प्रॉफिट कर लूं। बिल्कुल, इसलिए अगर RBI ने 3% कम किया है तो इन्होंने सिर्फ 0.5% या 0.25% पास ऑन किया। तो हमारा कहना ये है कि वो पूरा पास होना चाहिए, और उसके बावजूद अगर हो सके तो 5% तक आपको इंटरेस्ट रेट लाना चाहिए होम लोन्स पे। तो ये दूसरा मुद्दा, ये इसमें हमें कोई फायदा नहीं है, ये सीधे ग्राहक का फायदा है। ऐसे और भी मुद्दे हैं, जैसे कि जो 9 महीने का पीरियड दिया है उसको हम बोल रहे हैं कि 1 साल का पीरियड कर रेरा जो कंप्लीशन का। बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं, हम लोगों ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए बोला है कि भाई वो जो कुछ ही लिमिटेड जगहों पे होता है उसको पूरी देश के लिए लागू कर दिया जाए। जो 2 लाख का इंटरेस्ट का रीपेमेंट इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है उसको अनलिमिटेड कर दिया जाए। जो 1.5 लाख का कस्टमर को प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन मिलता है उसको हटा दिया जाए। तो ये सब ग्राहक के फायदे की बातें हमने की ताकि डिमांड क्रिएट हो, फ्लैट बिकेंगे तो इकोनॉमी चलेगी, क्योंकि फ्लैट बिकेंगे तो प्रोजेक्ट बनेंगे, स्टैंप ड्यूटी भरा जाएगा, वेंडर्स को काम मिलेगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिलेगा, इंजीनियर्स को काम मिलेगा, पूरी इकोसिस्टम इससे बढ़ेगी और पूरा इकोनॉमी बढ़ जाएगा। आज कम से कम 8% तक हमारा GDP हमारी इंडस्ट्री दे रही है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हैं हम लोग एग्रीकल्चर के बाद। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए तो तभी जाके ये इकोनॉमी सुधर सकती है। इसमें आपके भी बहुत सारे जो प्रजापति ग्रुप है उसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे कई जगह पर, अब किस तरह की कंडीशन है? हमारे 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं फिलहाल। एक प्रजापति मैग्नम जो है वो द्रोणागिरी उरन के पास एक सिटको का नोड है, तो सिटको के नोड में वो एक प्रोजेक्ट है जो 3 एकड़ के जमीन पर चल रहा है, और उसमें इस नवी मुंबई का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोडियम उसमें बन रहे हैं। वो पोडियम करीब करीब 1 एकड़ से ज्यादा का वो पोडियम है, और वो पोडियम में ऐसा है कि जिसमें सारी सुविधाएं हैं, स्विमिंग पूल से लेके जिम से लेके वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, एम्पी थिएटर और
स्पोर्ट्स एक ये जोन मल्टीपर्पस जोन, तो सब तरीके के उसमें सुविधाएं हैं और उसमें 2 और 3 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट्स हैं, हर एक फ्लैट को पार्किंग है। इस तरह के जो सुविधाओं से वो लैस है, जिसको भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आज वो एक ऐसे जगह पे है, जो लोकेशन पे है, जिसमें कि जो ट्रांस हार्बर लिंक है वो जैसे ही उधर लैंड होता है उसके बाद द्रोणागिरी 8-10 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जैसे वाशी जैसे पनपा था, उसका जैसे ग्रोथ हुआ था, आज उसी स्टेज में द्रोणागिरी है, आज कम रेट में है, मगर जैसे ही वो ट्रांस हार्बर लिंक खुलेगा, MTHL खुलेगा, इसका रेट 2 गुना या 3 गुना हो सकता है। तो एयरपोर्ट भी खुल रहा है और ये सब तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक अनोखा प्रोजेक्ट है जो कि ऐसे जगह पे है जिसमें स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन ऐसे जगह पे है जहाँ रेट कम है, मगर कम रेट में आपको सस्ता माल नहीं मिल रहा है, कम रेट में आपको हाई स्टैंडर्ड का हाई स्टाइल लिविंग का माल मिल रहा है। तो इस तरीके का फ्लैट आपको जो अगर चाहे तो उसमें है। एक प्रोजेक्ट यहाँ पर पनवेल में हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक प्रजापति ओपल और एक प्रजापति ऑर्नेट। ऑर्नेट जो प्रोजेक्ट है उसमें भी 2 और 3 BHK का है, इसमें और प्रजापति ऑर्नेट में और प्रजापति ओपल में दोनों में भी पोडियम्स हैं। पोडियम में वही सब, ऑर्नेट में भी हम लोगों ने स्विमिंग पूल दिया है। अच्छा, पहली बार ऐसा इन्फिनिटी पूल हमारे पूरे नवी मुंबई में, एक भी इन्फिनिटी पूल नहीं है, लेकिन हमने न्यू पनवेल में जो हमारा प्रोजेक्ट है प्रजापति ऑर्नेट, उसमें हम लोगों ने स्विमिंग पूल दिया है जो कि इन्फिनिटी पूल है। इन्फिनिटी पूल का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा लगेगा कि आप नीचे मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है और आगे कोई उसका एंड नहीं है, इन्फिनिट उसका दृश्य है, उसका दर्शन है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके आगे एक्चुअली एक बहुत बड़ा मैदान है और आगे पहाड़ है, तो वो कभी भी आप उस पूल में जाएंगे आज से 10 साल बाद भी तो एक इन्फिनिट व्यू है। तो ये बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लोकेशन को देखते हुए बनाया। इसमें भी जॉगिंग ट्रैक और जिम और ये सब सारी सुविधाएं हैं, 100% पार्किंग है। ऐसे जगह पे जहाँ पे पार्किंग की कमी है, ऐसे जगह पे हम लोगों ने 100% पार्किंग का प्रोजेक्ट बनाया है और स्पेशली 2 फ्लोर 1 फ्लोर सिर्फ पार्किंग के लिए रखा है। तो काफी अच्छी सुविधाओं के साथ इसमें भी 2 और 3 BHK का प्रोजेक्ट है और काफी इसका डिमांड अच्छा है, हमारे ही पनवेल में ही काफी लोग ले रहे हैं। तीसरा जो प्रोजेक्ट है प्रजापति ओपल, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। उसमें भी हम लोगों ने 1 और 2 BHK लगाया का प्रोजेक्ट का प्लानिंग किया है। प्रजापति ओपल में 1 और 2 BHK का है और आज आप समझ लीजिए कि प्रजापति ऑर्नेट और प्रजापति ओपल दोनों में जो फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स का साइज बड़ा है। आज बजट ज्यादा होने की वजह से अन्य डेवलपर्स ने अपने अच्छे विवेक से ही कम कर दिया था एरिया, मगर हम लोगों ने एरिया कम नहीं किया। हमने हमारे हिसाब से एक अच्छी फैमिली को रहने के लिए जितना मिनिमम एरिया चाहिए रहता है उतना तो चाहिए ही होता है, तो हम लोगों ने उसको कम नहीं किया और आज साबित हो गया कि अगर लॉकडाउन हुआ और लोग अपने घर में रहे तो दरबे में रह के गुजारा बहुत मुश्किल है। तो हालांकि हमने 1 BHK बनाया है तो भी हम लोगों ने उसमें 2 टॉयलेट दिए हैं, एक अटैच टॉयलेट भी दिया है, एक बाहर एक टॉयलेट दिया है। 1 BHK में भी एक हम लोगों ने डाइनिंग एरिया निकाला है, तो हर तरीके से डाइनिंग एरिया उसको बता दो या उसको आज वर्क फ्रॉम होम एरिया अगर बोलना चाहे तो वर्क फ्रॉम होम एरिया। तो इस तरीके से हम लोगों के पास जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए हैं उसमें हमने हर समय एक्सेल साइज, आज वो एक्चुअली नॉर्मल साइज है लेकिन लोगों ने जो नॉर्मल फ्लैट्स हैं वो कम कर दिया, इसलिए हम लोग उसको एक्सेल साइज होम्स करके उसकी मार्केट कर रहे हैं और काफी उसका प्रतिसाद मिल रहा है। आज तो लोगों को घर का जो है इम्पोर्टेंस
वो पता चला है, और घर बड़ा होना चाहिए ये भी लोगों को आज समझ में आया है। आज 2-3-4 लाख रुपया एक्स्ट्रा डाल के अगर आप बड़ा घर लेते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा सुविधाएं, आप ज़्यादा अच्छे से अपना लाइफ बिता सकते हैं। तो ये तरीके से हम लोगों ने ये तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे वैसे ही प्लान हुए हैं कि हम लोगों ने भी एक कैशबैक ऑफर रखा है, और ये ऑफर्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, आज लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हो सकता है और थोड़ा लो हो जाए, तो लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपकी ईएमआई बंद जाएगी। तो ये जो समय है इसको आप एक अपॉर्चुनिटी समझ के, मैं यही गुजारिश करूँ से जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपना घर खरीदने का एक सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कि उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो 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 समय है वो सबसे बेस्ट समय है। इसी समय में आपको द बेस्ट बार्गेन मिलेगा और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ना सिर्फ फ्लैट का कॉस्ट बल्कि लोन का भी कॉस्ट लोएस्ट होगा। ये जो परिस्थिति है, जो ये रेट्स हैं आज वो लोएस्ट हैं, ये मैं आपको खातरी देना चाहता हूँ। इसमें और कमी होने की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इस समय, आपके पास वैसे भी समय है, घर पे ही हैं आप, तो इस समय आप सारे प्रोजेक्ट्स को देखिए और उसमें चूज करिए, प्रजापति में ही लीजिए ऐसा नहीं, लेकिन अपने हिसाब से अपने बजट में जहाँ भी आपको घर मिलता है अपने बजट का, अपने लाइकिंग का, आज सही समय है उसे खरीदने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, आपने प्रजापति ग्रुप की जो बेहतरीन इमारतें हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका आपने जो हमारे दर्शक हैं उनको जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वक्त है वो रियल में एक ऐसा वक्त है जब आप उसको इनकैश कर सकते हैं, और अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन समय आपको और कुछ नहीं मिलेगा। इस बातचीत में इतना ही, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।